हेलो फ्रेंड्स, इट्स डॉक्टर अभिलाष मोदी। आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज मोटिवेशनल ढाबा। बहुत समय से मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोच रहा था। वो टॉपिक क्या है? कुछ लोग बिजीएस्ट हैं, कुछ लोग बेस्ट हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादा सही चीज क्या है, बेस्ट होना या बिजीएस्ट होना? आपको लग रहा होगा हाँ बेस्ट होना। अगर बेस्ट है तो क्या फर्क पड़ता है बिजी है कि नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप बिजीएस्ट हैं तो फिर आप असली मायने में बेस्ट बन पाएंगे। आप दुनिया के किसी भी इंसान को देखें, शुरुआत में आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना, जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, रजनीकांत या जितने भी लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, अगर आप उनकी जिंदगी को प्रॉपर लेवल पर देखेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि उन लोगों ने स्टार्टिंग में बेस्ट बनने की नहीं सोचा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में आप बिजी बने, आपका पूरा दिन पैक होना चाहिए, आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीरियस हो जाए जिंदगी को लेकर के, पर सिंसियर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस ना होए, सिंसियर होए, सिंसियर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेस्ट होना और बिजीएस्ट होना। शुरुआत में बिजी बने, जितना हो सके उतना काम ले। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपको छोटे लेवल पे काम करना पड़ रहा है, बड़े लेवल पे काम करना पड़ रहा है, आप ये ना सोचे कि मैं छोटे लेवल पे काम करूंगा तो मैं छोटा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। नहीं, शुरुआत में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो स्टार्टिंग में लर्नर्स हैं, या जो बिजनेसमैन जिनको ऐसा लगता है कि मैं छोटे लेवल पे काम लूं कि नहीं लूं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स जो अपना जॉब चालू करते हैं, स्टूडेंट्स जो छोटे लेवल पे कोई बिजनेस चालू करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, एक इंसान है जो जॉब कर रहा है, वो जॉब जब कर रहा है तो उसको एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा काम तो है अकाउंट्स का काम करना, मैं बाकी कोई काम नहीं करूंगा, मैं किसी और तरीके के काम में ध्यान नहीं दूंगा। वो फ्री बैठना प्रेफर कर रहा है, वो ऑफिस टाइम में फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, ट्विटर चलाना और बाकी सोशल साइट्स ऑपरेट करना प्रेफर कर रहा है, पर वो दूसरा काम सीखना प्रेफर नहीं कर रहा है। जब वो किसी तरीके का बिजनेस चालू करेगा, किसी तरीके की एंटरप्राइज चालू करेगा या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चालू करेगा, तो आपको लगता है वो सारे काम मैनेज कर पाएगा? आपको नहीं लगता लोग उसे पागल बना देंगे, क्योंकि उसको तो नॉलेज था केवल अकाउंट्स का। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। सिंपल सा तरीका है, शुरुआत में 7 से 8 साल अच्छी तरीके से जॉब करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा इकट्ठा करें, छोटे लेवल पे फिर बिजनेस चालू करें। आपके पास स्टार्टिंग में पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजों को सीखें, चाहे फ्री में सीखना पड़े पर चीजों को सीखें। अपने आप को पूरी तरीके से बिजी बनाएं। आपके पास में प्लान होना चाहिए, आने वाले 3 से 4 दिन में क्या करने वाला हूं। अगर आपके पास में प्लान्स नहीं है, आप सोच रहे हैं जो काम आएगा वो कर लेंगे, तो आप में और उस मजदूर में कोई अंतर नहीं है जो किसी चौराहे पर खड़ा रहता है और सोचता है कि अगर कोई आएगा मुझे काम पे बुलाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, हमें सबसे पहले बिजीएस्ट बनना होगा। मैं अगर मेरी बात करूं, मैं एक स्पोकन इंग्लिश टीचर हूं, आई टीच स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस, लीडरशिप क्लासेस, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं। आज से 7 से 8 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया, उस समय मैं ये नहीं सोचता था ये काम मेरे लिए सही है या गलत है, मैं केवल काम किया करता था। उसी का नतीजा है आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं खुद का एक प्रोडक्ट चलाता हूं, खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाता हूं, लोगों को बताता हूं अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, पर मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पैम्फलेट डिजाइन करना हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो, बड़े लेवल पे किसी से कम्युनिकेट करना हो, छोटे लेवल पे किसी से कम्युनिकेट करना हो, पढ़ाना हो, समझाना हो, कन्विंस करना हो, हर एक तरीके की चीज, क्योंकि मैंने उसको जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने हर तरीके की चीज सीखी। तो दोस्तों, आज का वीडियो केवल इसी बारे में है कि प्लीज 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 सबसे पहले बिजीएस्ट बनो। अगर आपके पास में बहुत सारा काम है तो आप सॉर्ट कर पाएंगे चीजों को, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि दोस्तों, सचिन जो थे उन्होंने स्टार्टिंग अपनी करियर की करी बॉलिंग से। आपको पता होगा 13 कॉइन्स वाली स्टोरी, 13 कॉइन वाली स्टोरी जो थी, उसके अंदर रमाकांत आचरेकर सर जो सचिन के कोच हुआ करते थे, पहले कोच, गुरु, मेंटर, वो उनको 13 कॉइन देकर के बोला करते थे इसको स्टंप पर रखो
और जब आप इसको लगातार गिरा देंगे 13 बार तो मैं आपको ये 13 कॉइन दे दूंगा। शुरुआत में तो वो एक बॉलर थे, इस कारण से वो बहुत बार अच्छे विकेट भी ले लिया करते थे, वो अच्छे फील्डर भी थे। तो देखिए, वो फील्डर भी थे, वो अच्छे बैट्समैन तो थे ही थे, गॉड ऑफ क्रिकेट है इसलिए, और वो अच्छे बॉलर भी थे, पर उनको जो उपाधि मिली, उनको जो भारत रत्न मिला, उनको किस कारण से मिला? वो फील्डर भी अच्छे थे, वो बॉलर भी अच्छे थे, और वो बैट्समैन भी अच्छे थे, पर वो बेस्ट किस में बन पाए? वो बेस्ट बन पाए अपने बैटिंग में। तो पहले आप बिजी बने। अगर आप शुरू से सोचेंगे मेरा काम तो बैटिंग का है, मैं बॉलिंग क्यों करूं, इसको आपको अपने फील्ड से रिलेट करना होगा। आप किसी भी फील्ड में इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, हर तरीके का काम आपको आना चाहिए। अगर आपको वास्तविकता में किसी बड़े लेवल पर जाना है, वर्ल्ड लेवल पर जाना है, तो आपको हर एक तरीके की चीज आनी चाहिए। अगर आपको हर एक तरीके की चीज नहीं आ रही, तो इसको जान लें, आप कभी भी बड़े लेवल पर नहीं जा पाएंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप कभी बड़े लेवल पर नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमको सीखनी है वो चीज ये है, मैं बिजी बनूंगा, बहुत बिजी रहूंगा। कोचिंग हुई, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, मैं बिजी रहूंगा, समझूंगा चीजों को, मैं बिजी रहना सीखूंगा, मैं टिकना सीखूंगा। उसके बाद में जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे लिए बेस्ट चीज क्या है, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हुई है मेरे फील्ड से रिलेटेड। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अलग अलग फील्ड में जाए, 1 घंटा फुटबॉल खेले, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप 1 घंटा क्रिकेट खेले, 1 घंटा फुटबॉल खेले, नहीं नहीं नहीं, आपको एक ही फील्ड को चुनना है और उसमें बिजिएस्ट बनना है। कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे बिजिएस्ट बनना है, फिर स्टेट लेवल पे बिजिएस्ट बनना है। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? आपको किसी को जताना नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना। अगर आपको खुद में लग रहा है मैं बिजिएस्ट हूं, काम हो जाएगा, आप एक दिन बेस्ट बन के रहेंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा पूरा वीडियो था वो इसी बारे में था कि मुझे सबसे पहले क्या बनना है, बिजिएस्ट। पहले बिजी बनूंगा, फिर बिजिएस्ट बनूंगा, और फिर बेस्ट बनूंगा। शुरू में बेस्ट बनना पॉसिबल नहीं है, हमको पता नहीं चलेगा हम किसके लिए पैदा हुए हैं, हमको पता नहीं चलेगा हम किस चीज में सर्वश्रेष्ठ है, हमको पता नहीं चलेगा हम किसके अंदर ग्रेट बन सकते हैं, हमको पता नहीं चलेगा। देखिए गाइस, एक बहुत महान इंसान थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, पहले वो करें जो संभव है, उसे करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, एक दिन आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो असंभव था। और अगर इसको और सही ढंग से बताऊं तो पहले वो करें जो जिसकी जरूरत है। आज आपको पैसों की जरूरत है तो पहले पैसे कमाएं, आज आपको पढ़ाई की जरूरत है पढ़ाई करें, फिर धीरे धीरे संभव पॉसिबल काम करें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब उसको 10 साल तक आप कर लेंगे तो एक दिन आप इंपॉसिबल काम भी कर जाएंगे, जो बहुत लोगों के लिए इंपॉसिबल था पर आप कर पाए। वो कैसे हो पाएगा? वो सिर्फ हो पाएगा जब आप जरूरी और संभव काम करेंगे, तभी हो पाएगा, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज जो हमने चीज सीखी वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि किस तरीके से हम लोगों को सबसे पहले बिजी होना है, फिर बिजिएस्ट होना है, और फिर बेस्ट होना है। और एक चीज और जान ले, बिजी होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ भी करता रहूं जो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। बिजी होने का अर्थ ये है मैं वो करूंगा जो मुझे अपने फील्ड के अंदर बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। कुछ समय पहले जैक मा सर की मैं एक वीडियो देख रहा था, जो अलीबाबा के फाउंडर है, उन्होंने कहा था अपने फील्ड को उस ऊंचाई पर लेकर के चले जाओ कि अगर कोई इंसान आप तक पहुंचना भी चाहे तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़े। देखिए कितनी शानदार बात है। ओके दोस्तों, तो हम मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। आज जो चीज हमने सीखी वो चीज सीखी हम एक फील्ड को चुनेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, फिर बिजिएस्ट रहेंगे, और फिर अपने आप ही हम चुनाव कर पाएंगे कि हम किस चीज में बेस्ट हैं, और हम धीरे धीरे बेस्ट बनेंगे, और एक दिन जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो हो सकता है हम ग्रेट बन जाएं। इट वॉज डॉक्टर ब्लास्ट मोदी गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस अपनी लाइफ में हेल्पफुल रखती है, और अगर इसके अलावा किसी भी तरीके की वीडियो जो आप चाहते हैं मैं उस पर बनाऊं एक वीडियो, तो प्लीज उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।